जेवर क्षेत्र में विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के एक जेई पर 3 महीने की सैलरी न देने के साथ साथ उनके स्थान पर किसी और को नौकरी देने का आरोप लगाया है। अपनी समस्या का समाधान न होने के कारण संविदा कर्मचारियों ने जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को प्रार्थना पत्र देने की बात कही है। और अब ये जो हमारे जेई साहब हैं, तुम्हारा चंद्रशेखर महतो, अब इन्होंने इनको रखा है कि ये हमारे कमाऊपूत हैं, ठीक है, तुम हमारे कमाऊपूत नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारा ट्रांसफ़र किया देते हैं और हमें कमाऊपूत चाहिए तो हम इन्हें इनको रखेंगे। समस्या क्या है, तुम्हारी समस्या क्या सामने आ रही है? समस्या ये आ रही जी, पहले तो 3 महीने की तनख्वाह नहीं आई हमारी। अच्छा, कितने लोग हैं तुम लगभग? हम जो कम से कम ना तो 8 लोग हैं। अच्छा, जिनकी सैलरी अभी नहीं मिली है? हाँ, अच्छा। फिलहाल मुझे यहाँ पर मौजूद है, हम 6 लोग मौजूद हैं। हाँ। और जेई साहब ने क्लियर मना कर दिया है कि हम तनख्वाह नहीं दिलवा पाएंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त मैं बंकापुर की एक समस्या को लेकर यहाँ मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ विद्युत कर्मचारी हैं जिन्होंने विद्युत विभाग में काम किया था। अब अपनी किसी समस्या को लेकर ये मेरे पास आए हैं तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, उनके द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी समस्या क्या है। भैया, क्या समस्या तुम्हारे सामने आ रही, किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? सर, हमारी तनख्वाह को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे जो चंद्रशेखर महतो जेई हैं वो हमसे मना कर रहे हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं उनको वो रख रहे हैं अपने साथ। अच्छा। हमसे कह दिया तुम लद्दू गधे हो, तुम यहाँ से निकलो। जो मेरठ से जांच टीम आई थी वो उनके द्वारा सस्पेंड किए गए थे 2 लोग, ज्ञानंदर व सुरेश। अच्छा। उनको वो अब रख रहे हैं अपने साथ में, इसलिए वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमको कमा के देते नहीं हो, आप तुम यहाँ से जाओ, कहीं भी जाओ, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है और जहाँ तुम्हें जो करना है वो करो। कारण सर ऐसा है कि हमारे पास में इतना वो हिसाब किताब नहीं है कि हम जनता से लड़ के कोई फ्रॉडगर्दी करके ये तो फ्रॉडगर्दी कर लेते हैं, हमारे बस की नहीं है। हम एक नंबर काम करने वाले हैं, जब हम रेगुलरली सुबह को जाते हैं और शाम को अपना नाइट में आ जाते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी की जगह हम 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी वो हमसे खुश नहीं है क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, हमारी तनख्वाह को रोक दिया गया है ना। हमको इन्होंने बताया कि यहाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ है, ना कुछ बताया, बस रजिस्टर में से हमारे नाम काट दिए गए हैं और आप सस्पेंड यहाँ से निकाल दिए गए हो। अच्छा। हाँ जी, आप कुछ बताया गया था पहले कि आप निकाल दिए जाओ? कुछ समय पहले बता दिया गया था, जॉब करने से पहले बता दिया गया? नहीं बताया, ऐसी कोई जानकारी नहीं, हमारी कंपनी से कोई ऐसी जानकारी, खाली जेई साहब ने बताया कि आप यहाँ से निकाले गए हो। बोले थे कंपनी जाइए, वो बोले थे कंपनी जाइए, वहाँ से सैलरी लीजिए अपनी। अच्छा, कंपनी वालों के पास गए फिर आप? गए थे। हाँ। और उन्होंने कहा अपने जेई साहब से वेरीफाई कराइए। हाँ। जब उन्हें हम तुम्हें तनख्वाह दे देंगे। अच्छा। उसके बाद जेई साहब से पूछे हमने कि जेई साहब, वो कंपनी वाले कह रहे हैं कि वेरीफाई कराइए हमारी तनख्वाह को। हाँ। जब हम तनख्वाह देंगे। हाँ। उससे पहले हम तनख्वाह नहीं दे सकते। तो जेई विद्युत विभाग के कहने के बावजूद ये लोग कंपनी के पास भी गए हैं और कंपनी से मिले हैं और वहाँ कंपनी के अधिकारियों से इनकी बातचीत हुई और उनका कहना है कि यदि आप वेरिफिकेशन लेटर जेई के द्वारा लिखवा कर ले आते हैं तो आपकी सैलरी दे दी जाएगी। अब इसके बावजूद हम जेई से बात करेंगे और इनकी समस्या का निदान कराने की कोशिश करेंगे। संबंधित जूनियर इंजीनियर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है, परंतु यह सभी निर्णय संबंधित कंपनी द्वारा लिए गए हैं, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों की एक समस्या को लेकर अभी हमने कुछ दिन पहले उनसे बात की थी और उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनकी सैलरी नहीं आ रही है और किस तरह से उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है और उनकी जगह पर दूसरे बंदे को अपॉइंट किया जा रहा है। तो मेरे साथ बंकापुर जेई हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये सब क्या है इन लोगों का, जो ये लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, इनका कहना है कि आपने इनकी सैलरी रोक रखी है और आप इनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं। कंपनी के द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा लड़के को रख लिया गया। अब मेरे पास जो मेरे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार निर्देश आया है कि आप जो है सो मात्र 13 लड़कों का अटेंडेंस भेजिए, उनसे ज़्यादा का नहीं भेजिए, और जो ज़्यादा लड़के हैं तो कंपनी के द्वारा बोले कि उनको ट्रांसफ़र कराया जाए। इस बारे में उच्च अधिकारियों को भी निर्देशित कर चुके थे और कंपनी में भी जो भी असिस्टेंट मैनेजर हैं या उनके फील्ड ऑफिसर हैं उनको हम इस बारे में बता चुके हैं। हाँ, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने आपके यहाँ नौकरी की है, इन्होंने नौकरी तो की है ना आपके यहाँ? हाँ, नौकरी की है मेरे यहाँ। तो फिर इनकी अटेंडेंस भी लगी हुई है रजिस्टर में? अटेंडेंस लगी हुई है। तो फिर इनको सैलरी मिलनी चाहिए, मेरा वो कहने का मतलब ये है। देखिए, अब ये बात तो
कंपनी करे डिसाइड कि जब इन लोग से काम करवाए हैं तो अटेंडेंस तो कंपनी के माध्यम से इनको देना चाहिए, या नहीं तो इनको पहले ही ये तय कर लेना चाहिए था कि हमको 13 लड़के रखने हैं एक सब स्टेशन पे, तो इनको ज़्यादा लड़कों की ज्वाइनिंग नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बात, इन लोगों का कहना है कि हमें यहाँ से निकाला जा रहा है और दूसरे लड़कों को अपॉइंट किया जा रहा है, तो ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा लड़के यहाँ आए थे उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ट्रांसफ़र किया गया है जी, तो जो बंदे हैं उनका ट्रांसफ़र किया गया है, जो और जो दो लड़के पहले थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन पे आरोप था जेई पूर्व जेई द्वारा और पुलिस द्वारा भी FIR दर्ज कराई जा चुकी थी, उन्हें फिर से अपॉइंट कर लिया गया है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? कि ये अब कंपनी के गलती से हुआ या किस माध्यम से हुआ, ये लग रहा है कंपनी इन लोगों की पूरी डॉक्यूमेंट की जांच नहीं कर रही है, जिस वजह से जो कुछ लोग अगर भ्रष्ट हैं तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए सही तरीके से, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये पूरी बात पहले से नहीं थी और ना ही मेरे द्वारा कुछ लिखकर इनको दिया गया है कि मैं इनको अपॉइंटमेंट करूं। मेरे यहाँ पर कंपनी के द्वारा लड़के भेजे जाते हैं काम कराने के लिए, अगर कोई भ्रष्ट है किसी क्रिमिनल केस में है या चोरी के मामले में है तो ये सब कंपनी के लोग देख रहे हैं और ये कंपनी में कंपनी से ही इसको शॉर्ट आउट। लेकिन जी सर, एक बंदे ने ये भी बात कही कि हम लोग कंपनी गए थे, कंपनी वालों ने ये कह दिया है कि आप जे हिसाब से वेरिफिकेशन करा के ले आइए और हम आपको आपकी सैलरी दे देंगे। जो भी लड़के ये सब बात मेरे पास भी आए थे लड़के लोग लेकर, तो कंपनी जो ये अपने कर्मचारी को बोल रहे हैं कि आप जे हिसाब से इनकी अटेंडेंस की वेरिफिकेशन करा के लाइए, तो कंपनी स्वयं मुझसे क्यों नहीं मांग लेती? तो जे हिसाब का ये कहना है कि जब कंपनी उन बंदों से वेरिफिकेशन लेटर मंगा रही है तो कंपनी डायरेक्ट मुझसे क्यों नहीं मांग लेती। मेरा फिर एक बार सभी अधिकारियों से, सक्षम अधिकारियों से कहना है जिनके पास तक ये वीडियो पहुंच रही है, वो इस मामले को निपटाएं और इस समस्या का निदान कराएं। नीतीश छोंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जेई और SDO जहांगीरपुर से बात की गई है। अब देखना यह है कि इंसाफ की मांग कर रहे इन संविदा कर्मचारियों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। नितेश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा की रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।